बड़ा सुंदर सा प्यारा ये गीत है। मैया द्रौपदी कहने लगी कि कन्हैया मैंने दुनिया को देख लिया लेकिन मेरी लाज को बचाने वाला श्याम कोई नहीं है। अगर तुम नहीं आए तो ये भक्तिनी की लाज आज लुट जाएगी श्याम, और दुनिया में भक्तों का भरोसा भगवान से उठ जाएगा। ये पापी नीच हमें नंगा करना चाहते हैं। दिखा दो मेरे माधव, दिखा दो मेरे श्याम कि दुनिया में शक्ति है तो भक्ति है, और इस भक्त की लाज बचाने आ जाओ मेरे कन्हैया। मैया द्रौपदी के हाथ ऊपर को जब उठ गए हैं और कहने लगी काना कि माधव अब तुम्हारा ही भरोसा है, सभी से भरोसा जब उठ गया तो आज श्याम को याद किया है मैया ने। और ये सही बात है भक्तों कि जब तक तुम दूसरों पर आश्रित रहोगे, दूसरों का सहारा तकोगे, तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। द्रौपदी जब तक देखती रही कि मेरी लाज को बचाने के लिए हमारे पति आएंगे, पितामह भीष्म आएंगे, गुरु द्रोणाचार्य आएंगे, लेकिन सभी जगह से उदास होकर के आज मैया कहने लगी है कि कन्हैया अब तो तेरा ही सहारा है। बोली है मैया द्रौपदी, सब दोस्त हंसे किलकार के माधव, सब दोस्त हंसे किलकारे बचा लो कान्हा लाज मेरी। कि कन्हैया है माधव, सब दोस्त हंसे किलकारे बचा लो कान्हा लाज मेरी। लाज मेरी रे काना लाज मेरी, सब दोस्त हंसे किलकार बचा लो काना लाज मेरी। माधव अगर तुम नहीं आए ये पापी मुझे नग्न कर देंगे। सभा बीच मेरी लाज लुटेगी, सभा बीच मेरी लाज लुटेगी, मैं मर जाऊंगी ये मुख नहीं दिखा सकती। आज सभा में अगर नंगी हो गई तो कन्हैया तेरी ये बहन जिंदा नहीं बचेगी समरिया। सब दोस्त हंसे किलकारे बचा लो कान्हा लाज मेरी, मैं सबके पास गई किसी ने मेरी पुकार को नहीं सुना। मेरे पति मैं तो ये समझती हूँ कि मैं अभागिन हूँ कि पांच पांच पतियों की होते हुए भी दुर्योधन आदेश दे रहा है कि द्रौपदी को नंगा कर दो। शर्म आ रही है लेकिन क्या करूं श्याम। पांचों पति मेरे सभा में बैठे, पांचों
सभा में बैठे और कन्हैया दुर्योधन ये मूछे थे दुर्योधन ये और श्याम पांच पति मेरे जुआ में मुझे हार गए हैं जिसके कारण उनकी गर्दन झुक गई है और दुर्योधन आज बड़े गर्व से कह रहा है द्रौपदी मैं तुझे नंगा कर दूंगा। लेकिन कन्हैया मुझे तो सारा केवल आपके ऊपर है, अगर आप आ गए तो इस भक्तनी की लाश आज बच जाएगी। श्याम जब ये करुण किंधन मैया द्रौपदी का भगवान कन्हैया की जब कानों में पड़ी है आवाज तो लिखा है बड़ा सुंदर तुलसीदास ने लिखा बिनु पग चलही सुनै बिन काना बिनु पग चलही सुनै बिन काना कर बिन करम करै विधि नाना कर बिन करम बिना पैरों के चलते हैं वो श्याम और बिना कानों के आवाज मैया द्रौपदी की सुनी है दौड़ दिए बिना पैरों के चले आए कन्हैया किसी को दिखाई नहीं दिए और बिन पग चले ही सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई विधि नाना बिना पैरों के दौड़े चले आए बिना कानों के सुना और बिना हाथों के जो किसी को दिखाई नहीं दिए आज मैया द्रौपदी का चीर बढ़ाने लगे हैं। श्याम बिन पग चले ही सुनै बिन काना कर बिन करम करै विधि नाना और श्याम धन्य है आपकी लीला मैया द्रौपदी का जैसी चीर बढ़ा दुशासन खींचता चला जा रहा है सारा बल पौरुष घट गया अंत में मूर्छित होकर के जब गिर पड़ा द्रौपदी कहने लगी क्या हुआ दुशासन चीर खींचना बंद क्यों कर दिया। भक्त हो तो ऐसा भगवान के ऊपर वो भरोसा है कि मैया द्रौपदी समझ गई कि तेरे जैसे हजारों दुशासन अगर हमारा चीर खींचने की कोशिश करें तो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। और जो भी भक्त इसी तरह से भक्ति करता है तो कन्हैया दौड़े चले आते हैं और भक्तों की लाज को बचा लेते हैं। मेरे श्याम ऐसे हैं मेरे प्यारे मुरली मनोहर श्याम जिन्होंने दुनिया में आकर के भक्ति में लोगों को डुबोया और आज भी उनके नाम ने कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम होता है। कृष्ण ने तो बहुत कम लोगों को तारा होगा लेकिन उनके नाम ने असंख्य लोगों को भवसागर से पार कर दिया। इसलिए प्रेमी भक्तों सभी लोग प्रेम से बोले मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घन श्याम सवरिया मेरे द्रौपदी ने पुकारा और कहा था कन्हैया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घन श्याम सवरिया मेरे और कहत बोली है मैया द्रौपदी दोस्तों ने मुझे को घेरा है
आप चारों रे अंधेरा है, और कन्हैया जब पुकारा मैया ने सच्चे दिल से कि हे श्याम, हे कन्हैया, हे माधव, हे मेरे गोपाल,